हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा रोरा रेसिपीज़ चैनल। आज मैं आपके साथ करारी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे क्रिस्पी रोटी भी कहा जाता है, साथ ही कड़क रुमाली रोटी भी बोला जाता है। और ये बहुत टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी भी है। और इसके साथ तैयार करेंगे एक चटपटा तीखा स्प्रेड, जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा, आधा कप मैदा, 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास ये मेजरिंग स्पून नहीं है तो जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच रहता है आप वो भर के भी इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसे मोइन करना भी कहते हैं। और आप ध्यान रखिए कि जो घी है वो पूरे आटे में अच्छे से लग जाए। और इस तरह से अगर हम बांध रहे हैं तो ये मुट्ठी बन रही है, तो इट मीन्स ये मोइन अच्छे से हो चुका है। इसी मोइन से ही हमारी रोटी क्रिस्पी और करारी बनती है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध हम एक टाइम में थोड़ा ही डालेंगे और इसे आटे की तरह हम मल लेंगे। हमें इसे नॉर्मल आटे की तरह तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना बहुत ज़्यादा टाइट। इस तरह से हम इसे अच्छे से मल लेंगे। और ये देखिए, हमने इसका आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे, ताकि ऊपर से घी लगाने से इस तरह से जो आटा है वो काफ़ी चिकना और स्मूथ हो जाता है। एक बार घी लगाकर हम इसे फिर से अच्छे से मल लेंगे और अब हम इसे रख देंगे। ये देखिए, हमारे आटे का आप देख सकते हैं नॉर्मल आटा तैयार किया है। और अब हम इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इतना आटा लगाने में हमने 3/4 कप दूध का यूज़ किया है। मैंने 1 कप लिया था, इसमें से 1/4 कप दूध बच गया है। और अब हम ये एक कढ़ाई ले लेंगे, इसे उल्टा करके हम गैस पर रखेंगे, ताकि इसे अच्छे से गर्म कर लें, क्योंकि हम इसी पर ही अपनी रुमाली कड़क रोटी बनाएंगे। हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, इसके ऊपर ये कढ़ाई रख देंगे उल्टी करके और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। और अब हम आटा देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। हम इसे एक बार फिर से 2 मिनट के लिए अच्छे से मल लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे। और अब हम इसमें से एक बड़ी लोई तोड़ेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। यहाँ मैं गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बोर्ड पर रखकर या फिर आप किचन प्लेटफॉर्म पर आप इसे बेल लें। हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है, और क्योंकि जो हमने आटा है वो नॉर्मल तैयार किया है तो इजीली आराम से ही बेल भी जाता है, यानी बेलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है, जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना बढ़िया है। बीच बीच में हम इसके ऊपर थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाते रहेंगे, ताकि ये चिपके ना। इसे हमें बिल्कुल पतला रुमाली रोटी जैसा बेलना है। और अभी मैं एक सिंगल रोटी बेल रही हूँ। अगर आप 2 रोटी एक साथ बेलना चाहते हैं तो इसका प्रोसीज़र हमने रुमाली रोटी में दिया है, कि एक ही बारी में आप 2 पतली रुमाली रोटी तैयार कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल पतला बेल लिया है। इसमें हल्की हल्की ये बोर्ड की डार्क लाइनें भी झलक रही हैं, और साथ ही हमारा हाथ भी इसमें हल्का सा दिख रहा है, यानी हमने इसे बहुत पतला बेला है। अब हम यहाँ कढ़ाई जो हमारी गर्म हो चुकी है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। मैं सिलिकॉन ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसके ऊपर टिश्यू पेपर से भी लगा सकते हैं। हमने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके ऊपर ये रोटी डाल देंगे। रोटी आप बहुत ही सावधानी से डालें, क्योंकि कढ़ाई इस समय काफ़ी गर्म है। और अब इसे कुछ सेकेंड्स ही हुए हैं और ये अच्छे से इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम इसे पलट देंगे। और दूसरी साइड से अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकने देंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। आप ध्यान रखें कि अब हम इस रोटी को बार बार नहीं पलटेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और किचन टॉवल से इसे ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, ताकि सब तरफ से ये इवनली अच्छे से कड़क हो जाएगी। और इसी तरह से हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अपनी प्रॉपर शेप नहीं ले लेती, यानी जब आप इसे सीधा करें तो ये एक कटोरी या एक बॉल की शेप ले लेगी। इसलिए हम इसका फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे ऊपर से किचन टॉवल से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, ताकि ये इवनली अच्छे से चारों तरफ से कड़क बनेगी। और ये देखिए, ये बनकर तैयार है, ये अपनी प्रॉपर शेप ले चुकी है और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाने के लिए एक स्प्रेड तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 बड़े चम्मच अमूल मक्खन ले रहे हैं, सॉफ्ट बटर लेंगे या आप इसे माइक्रोवेव में कुछ सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लें, 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे,
एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे, या आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा स्प्रेड बन के तैयार है। और अब हम ये स्प्रेड लगा देंगे इस कड़क रुमाली रोटी पे, जो इसका टेस्ट और बढ़ा देगी। और इसकी क्वांटिटी और इसका अच्छे से लगाएंगे, बिल्कुल भी कम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे जो बटरी टेस्ट और चटपटा टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। और ये देखिए हमने सारे पर लगा दिया है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैं आपको ये तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, कितना ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ या सुबह नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई रेसिपीज़ के लिए।